प्रदेश जो तस्वीर आई है उसको देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो गाड़ी ही एक इस तरह से वृक्ष चला रहा था कि दूसरे की जान पर बनाई। खबर बैतूल की है, हैरान करने वाली तस्वीर है। यहां एक 5 साल का बच्चा कार की चपेट में आ गया और कार चालक फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में जो तस्वीर दिख रही है वो तो कुछ और ही इशारा करती है। पांच साल के मासूम सारांश को कार की चपेट में ले लिया और फरार हो गया। देखिए कैसे कार चालक ने सड़क पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद बच्चे को कुचलने की कोशिश की। पहले कार चालक वहां पर ठहरा, फिर अचानक चल पड़ा और बच्चे को अपनी कार की चपेट में ले लिया। हैरानी की बात इतनी ही नहीं है, कार से कुचले जाने के बाद जब मासूम बच्चा सड़क पर बैठ गया तो वहां से गुजर रहे लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की। दो युवक और एक युवती वहां से गुजरे, एक पल के लिए ठहरे, मासूम की तरफ देखा, लेकिन मासूम को अकेला छोड़कर वहां से चल दिए। उससे भी हैरान करने वाली तस्वीरें अब देखिए। बच्चे को कुचलने से पहले ये कार जब वहां पर आई उस वक्त बच्चे के साथ एक महिला नजर आ रही है। कार वहीं पर आकर रुक गई, गाड़ी बैक हुई और ठीक उस पोजीशन पर खड़ी हुई ताकि बच्चे को चपेट में ले सके। इस बीच महिला वहां से गायब हो गई। पांच साल के बच्चे को सड़क पर अकेला छोड़ दिया, इसी वजह से बच्चा काफी देर तक सड़क पर बैठा रहा। जिस वक्त कार बैक हो रही थी उस वक्त उसका नंबर सीसीटीवी में दिख गया। कार का नंबर है MP04ZP5615। ये बड़ा शुक्र रहा कि बच्चा जो है वो कार के नीचे नहीं जा पाया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। उक्त गंभीर प्रकृति का मामला घटित होने पर FIR कायम किया है और इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन कार की भी पहचान कर ली गई है और इस पर शीघ्र उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला ने बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा? क्या कार चालक ने जानबूझकर बच्चे पर कार चढ़ाई? क्या ये वाकई महज हादसा है या फिर कोई साजिश थी? इस सारे सवालों के जवाब पुलिस को तलाश करने हैं। कार चालक फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।